मैं मर नहीं रहा हूँ बल्कि स्वतंत्र भारत में पुनर्जन्म लेने जा रहा हूँ। वंदे मातरम। ये नौजवान केवल क्रांतिकारी ही नहीं थे, विचारक भी थे, और आने वाला कल जब इन नौजवानों का इतिहास एक निष्पक्ष रूप से पढ़ा जाएगा तो निश्चित रूप से एक नई बात, एक नया संदेश, एक नई बात सामने आएगी कि क्रांतिकारी आंदोलन हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए एक प्रमुख कारण था। इसी के साथ ककोरी के ये शहीद इस देश के लिए मर मिटने के लिए अपने आप में एक ऐसा असाधारण उदाहरण छोड़ गए हैं जो रहती दुनिया तक याद रखा। मातृभूमि की गर्जना भरी वंदना के साथ करोड़ों देशवासियों के उज्जवल भविष्य के लिए, मातृभूमि को स्वतंत्र करने के लिए एक और देशभक्त राजेंद्रनाथ लाहिड़ी ने, जो कि काकोरी कांड में शामिल थे, हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण युवा क्रांतिकारी राजेंद्रनाथ लहरी का जन्म तो वैसे आज के सुदूर पूर्व बांग्लादेश में हुआ था, लेकिन उनकी कर्म भूमि बनी उत्तर प्रदेश के शहीदों की नगरी शाहजहांपुर। लहरी का जन्म 29 जून 1901 को बांग्लादेश के पबना जिले में एक क्रांतिकारी परिवार में हुआ था। राजेंद्रनाथ के पिता श्रुति मोहन लाहिड़ी और बड़े भाई बंगाल में चल रही अनुशीलन दल की गुप्त गतिविधियों में योगदान देने के आरोप में कारावास की सलाखों के पीछे कैद थे। दिल में राष्ट्रप्रेम की चिंगारी लेकर मात्र 9 वर्ष की आयु में ही वे बंगाल से अपने मामा के घर वाराणसी पहुंचे। वाराणसी में ही उनकी शिक्षा दीक्षा संपन्न हुई। राजेंद्रनाथ लाहिड़ी को देश प्रेम और निर्भीकता की भावना विरासत में मिली थी। राजेंद्रनाथ काशी की धर्मनगरी में पढ़ाई करने के लिए गए। संयोगवश वहां पहले से मौजूद क्रांतिकारी शचीन्द्रनाथ सान्याल के संपर्क में आए। उनके स्वाभाविक बांग्ला प्रेम को देखते हुए उन्हें बनारस से निकलने वाली पत्रिका बंगवाणी के संपादन में लगा दिया। दादा, दादा, मोहन लहरी चले। राजेंद्र, ओ राजेंद्र, ऐशो ऐशो, केमन ऐशो, बाबा दादा बाड़ी तो सब भालो। सब भालो दादा। तुम्हारे साहित्य प्रेम और लेखनी से मैं बहुत प्रभावित हूँ। वर्तमान समय में जब हमारा देश गुलामी का दंश झेल रहा है, चारों ओर मुक्ति के लिए बेचैनी है, ऐसे में देश में जागरूकता लाने के लिए तुम्हारे जैसे क्रांतिकारी लेखकों की सख्त जरूरत है। मैं चाहता हूं कि तुम हमारी पत्रिका बंगवाणी का संपादन कार्य की देखरेख करो। जो आज्ञा दादा। बंगाल क्रांतिकारियों का गढ़ था और बंगाल में अनुशूलन समिति जो थी वो क्रांतिकारियों की एक संगठन था। सचिन नाथ सान्याल जो थे उन्होंने अपने क्रांति
का जो केंद्र था बनारस को बनाया था, और बनारस षड्यंत्र के मुकदमे में सचिन नाथ सनाल को काले पानी की सज़ा दी गई थी। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद आम माफ़ी के दौरान उनको छोड़ दिया गया था। उन्होंने कानपुर और बनारस के क्षेत्र को अपना केंद्र पुनः बनाया, और राजेंद्र लहरी जो थे वो भी उन्हीं के सहयोगी थे। कानपुर, शाहजहाँपुर, बनारस, इलाहाबाद, इन केंद्रों पर क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने में लहरी, सान्याल, बिस्मिल, गेंद्रलाल दीक्षित, मनमाथलाल गुप्त, ये सब लोग सम्मिलित रूप से कार्यरत थे। लाहिड़ी शीघ्र ही पूरी तन्मयता के साथ बंगवाणी के कार्यों में जुट गई। राजेंद्र लाहिड़ी के फौलादी दृढ़ता, देश प्रेम और आजादी के प्रति दीवानगी से प्रभावित सत्येंद्रनाथ सान्याल ने अनुशीलन समिति की वाराणसी शाखा के सशस्त्र विभाग का प्रभाग सौंप दिया। साथ ही उनकी कार्य कुशलता को देखते हुए उन्हें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो देश की स्वतंत्रता के लिए युवाओं का एक क्रांतिकारी संगठन था, उसकी गुप्त बैठकों में आमंत्रित भी किया जाने लगा। लहरी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बांग्ला साहित्य परिषद की मंत्री थी। उनके लेख बांग्ला के बंगवाणी और शंख आदि पत्रों में छपा करती थी। लाहिड़ी ही बनारस के क्रांतिकारियों के हस्तलिखित पत्र अग्रदूत के प्रवर्तक थे। उनका लगातार ये प्रयास रहता था कि क्रांतिकारी दल का प्रत्येक सदस्य अपने विचारों को लेख के रूप में दर्ज करे। क्रांतिकारियों द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने के लिए अब तत्काल धन की आवश्यकता पड़ने लगी थी। पैसों के इंतजाम करने के लिए रामप्रसाद बिस्मिल के निवास स्थान पर एक बैठक हुई, जिसमें राजेंद्रनाथ लाहिड़ी भी सम्मिलित हुए। सभा की सहमति से अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटने की योजना को अंतिम स्वरूप यही दिया गया। इस योजना में राजेंद्रनाथ लाहिड़ी का अहम किरदार था। पंडित जी, क्यों ना हम सरकारी खजाना लूटे? खजाना? सरकारी खजाना? नहीं नहीं पंडित जी। क्यों नहीं भाई, ये पैसा भी तो हमारा ही है। हाँ, वो हमारे देश का पैसा है। अंग्रेज हमें लूटकर हमें अपना गुलाम बनाते हैं, और हम पाई पाई को मोहताज हैं। आजाद भाई की बातों से हम पूरी तरह सहमत हैं, लेकिन पंडित जी, ये अंग्रेजों को खुली चुनौती होगी। ऐसा करने से वो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ जाएंगे। पंडित जी, हमें कुछ बड़ा काम करना चाहिए।
किंतु हमारा दलित मजबूत है कि अंग्रेजों की तबीज को छेड़ सके। लाहिड़ी, वैसे भी अंग्रेज हमें कहाँ छोड़ने वाले हैं लाहिड़ी, अभी भी तो हम उनकी आंखों में छुपे रहे। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन यदि योजना मजबूत हो तो हमें हौसलों की कमी नहीं। हम ट्रेन लूटेंगे, पूरी ट्रेन लूटेंगे। मजे की बात यह कि उसी ट्रेन में सफर कर रहे अंग्रेज सैनिकों से अपनी हिम्मत न दी क्योंकि मुकाबला करने को आगे रखे। 10 क्रांति वीरों ने ऐसे हैरतअंगेज दुस्साहसी कारनामे को अंजाम दिया। यह घटना अंग्रेजी हुकूमत के मुंह पे करारा तमाचा थी। इधर युवाओं का उत्साह बढ़ने लगा, मगर इस घटना से देश स्तब्ध रह गया। पहले सारे कर्जों को निपटाया गया, फिर अस्त्र शस्त्र खरीदने के लिए आगे की योजनाओं पर जल्दी जल्दी काम होने लगे। भाई लाहिड़ी दादा, हमारा पहला चरण तो सफल गया, अब आप ये बताइए कि हमें आगे क्या करना है। पंडित जी, आप हमारे आदर्श नेता। आदेश देखिए, हथियार तो आ ही जाएंगे, लेकिन आगे आने वाले समय में ये जरूरी है कि हम विस्फोटकों और बम बनाने की कला को जाने। इसलिए ये जरूरी है हमारे बीच का ही कोई साथी बम बनाने की तकनीक को जाने। आप तो करते हो और बम बनाने की तकनीक को सीख कर आए। जैसी आपकी इच्छा काकोरी कांड के बाद रामप्रसाद बिस्मिल ने राजेंद्र लाहिड़ी को कलकत्ता बम बनाने का प्रशिक्षण लेने के लिए भेज दिया। वहां से कुछ दूर दक्षिणेश्वर जाकर राजेंद्रनाथ लाहिड़ी ने बम बनाने का कुछ सामान इकट्ठा किया और अपने कुछ क्रांतिकारी साथियों के साथ वहां बम बनाने की कला सीखने लगे। अभी वो पूरी तरह से बम बनाने की कला सीख भी ना पाए थे कि तभी एक साथी की लापरवाही के चलते
कम फट गया। बम का धमाका इतना जोरदार था कि सभी दहल गए। कुछ ही देर में पुलिस आ गई। कुल 8 साथियों के साथ राजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा दायर किया गया और 9 वर्ष की सजा हुई, जो अपील करने पर 4 वर्ष तक हो गई। तब तक लहरी के काकोरी कांड में सहभागिता की कोई जानकारी ब्रिटानी के हुक्मरान को नहीं थी। बाद में ब्रिटिश राज ने दल के सभी प्रमुख क्रांतिकारियों के साथ लाहड़ी पर भी काकोरी कांड के नाम से मुकदमा दायर करते हुए सम्राट के विरुद्ध सशस्त्र युद्ध छेड़ने तथा खजाना लूटने का न केवल आरोप लगाया, बल्कि झूठी गवाहियां और मनगढ़ंत प्रमाण पेश कर उसे सही साबित भी कर दिखाया। राजेंद्र लाहिड़ी को काकोरी कांड में शामिल करने के लिए बंगाल से लखनऊ लाया गया। तमाम दलीलों व अपीलों के बावजूद सरकार टस से मस न हुई। ठाकुर रोशन सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी की सजा सुना दी गई। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा जेल भेज दिया गया और इस सजा के खिलाफ देश के प्रबुद्ध लोगों ने विरोध जताया, मगर ब्रितानी सरकार अपने फैसले से टस से मस न हुई। लहरी का व्यवस्थित और अनुशासित जीवन जेल में भी अनवरत जारी रहा। प्रातः उठकर व्यायाम इनके लिए अनिवार्य था। फांसी के दिन भी सुबह सुबह लहरी व्यायाम कर रहे थे। मिस्टर लहरी, आज आपको फांसी होने का है, फिर आप कसर क्यों करना है? जेलर साहब, क्योंकि मैं हिंदू और पूरा जन्म मेरी अटूट आस्था है। पता अगले जन्म में मैं स्वस्थ शरीर के साथ पैदा होना चाहता हूँ। क्यों मैं इस पहलवान से का विपद से क्या लेना देना हो? चैलेंज ये आप मेरे से नहीं समझ सकते। फिर भी तुम हमको बताओ, हम जानना चाहता है। तो सुनिए, ताकि अपने अधूरे कार्यों को पूरा कर सकूं, अपने देश को स्वतंत्र करा सकूं, इसलिए मैं रोज सुबह व्यायाम करता हूं। स्वस्थ रहूंगा तभी तो अगले जन्म में स्वस्थ भी पैदा होऊंगा ना। और आज मेरे जीवन का सबसे महान दिन है, तो ये क्रम मैं कैसे तोड़ सकता हूं? जेलर हैरान था राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के फौलादी इरादे देखकर। जहां काकोरी कांड के अन्य क्रांतिकारियों को 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई, वहीं राजेंद्र नाथ लहरी को गोंडा जेल में प्रातः 6 बजे 16 तारीख को ही फांसी दे दी गई। अपने दैनिक कार्यों से नर्वित होकर लहरी छूटते हुए फांसी घर की ओर चल पड़े। लहरी, रोशन सिंह, बिस्मिल, अशफाक, ये भी पढ़े लिखे नौजवान थे, काफ़ी परिपक्व थे, बुद्धिवादी थे, और इन्होंने न्यायालय के मंच को पूरी तरह से अपने विचारों को प्रस्तुत करने वाला बनाया। वो चाहते थे कि नौजवान इससे संदेश लें, नौजवान देश के लिए एक हों, नौजवान देश की आज़ादी के लिए मर मिटने को तैयार हों। एक ऐसा सबक, एक ऐसा उद्घोष, एक ऐसा प्रयास था जिस प्रयास को इतिहास हमेशा सराहनीय कहेगा। उनकी आतुरता पे कैदी की नहीं, जेल के कर्मचारी भी आज़ादी के इस दीवाने में हंसते हंसते फांसी से पहले वंदे मातरम की पुकार भरते हुए कहा था, मैं मत नहीं रहा हूं, बल्कि स्वतंत्र भारत में पुनः जन्म लेने जा रहा हूं। वंदे मातरम।